यह शिलालेख चित्र सन 1400 ईसा पूर्व बाइबल में वर्णित परमेश्वर के व्यक्तिगत नाम यहोवा के नाम को दर्शाता है। बाइबल की लिखी बातें सत्य हैं क्योंकि इतिहास इसका गवाह है। इस मिट्टी के प्रिज्म, जिसे एश्रहदोन प्रिज्म के नाम से जाना जाता है, इस प्रिज्म को 673 से लेकर 672 ईसा पूर्व में अशीरियन राजा एहर हेडन ने बनाया था। यह यहूदा के राजा मनशशे को संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर बाइबल में दूसरा राजा 20:21 जैसे मार्ग में भी संदर्भित किया गया था। प्रिज्म क्विनिफॉर्म लिपि में लिखा गया है और 1920 के दशक में नीनवे के खंडरों में पाया गया था। यह मिट्टी से बना है और लगभग 13 इंच ऊंचा है। यह अब ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। मोआबाइट स्टोन, जिसे मैसा स्टेला भी कहा जाता है, 1835 ईसा पूर्व में मोआबी भाषा में लिखा गया एक खुदा हुआ काला बेसाल्ट स्मारक है। यह लगभग 4 फीट लंबा है और 1868 में प्राचीन मोआब की भूमि में पाया गया था, जो अब आधुनिक जॉर्डन है। इसमें बाइबल के आंकड़े, जैसे कि इज़राइल के राजा उमरी, मोआबाइट राजा मेशा एक और दूसरा किंग में के साथ साथ परमेश्वर की वाचा का नाम यहवे एक्सोडस 3 में शामिल है। यह अब लोवर में स्थित है। यह चूना पत्थर का स्मारक, जिसे कुर्क मोनोलिथ के रूप में जाना जाता है, लगभग 7 फीट ऊंचा और अब ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। 1861 में तुर्की के कुर्क में खोजा गया था। यह मूल रूप से सी में खुदी हुई थी। 1852 ईसा पूर्व अशूरियों द्वारा स्मारक पर क्यूनिफॉर्म लेखन इज़राइल के राजा अहाब को शामिल करने वाली एक लड़ाई को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर बाइबल में भी कहा जाता है, एक किंग्स 16:22 में। ग्रेनाइट का यह उत्कीर्ण स्लेब 10 फीट से अधिक लंबा है और यह 1896 में पश्चिम थेब मिस्र में पाया गया था। इसमें बाइबल के बाहर इज़राइल का सबसे पुराना निश्चित संदर्भ है और इसे मर नेप्तह स्टेला के रूप में भी जाना जाता है। यह नक्काशीदार था। 1210 ईसा पूर्व चित्रलिपि में और वर्तमान में मिस्र के संग्रहालय में काहिरा में स्थित है। नोट: इज़राइल शब्द नीचे से दूसरी पंक्ति में काले रंग का खंड है, जिसे फोटो पर क्लिक करके इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।